ए गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियोस में। और इस वीडियोस में हम लोग एक रेड कलर का ब्राइडल ब्लाउज बनाने वाले हैं, जो ऑलरेडी फ्रेम पे लगा दिया गया है। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत पहले आप लोगों ने देखा था, जो दूसरे कलर पे था, शायद नई भी बनाया है तो अभी पता चलेगा। तो स्लीव्स में इसमें पिकॉक और एलिफेंट होते हैं, और 4 इंचेस का एक बॉर्डर होता है स्लीव्स में, जिसके बीच में अप एंड डाउन साइड में इस तरह के वो पिकॉक और फ्लावर्स नीचे बने हुए हैं, और ऊपर आप एलिफेंट और फ्लावर वो देख रहे हैं, पिकॉक देख रहे हैं। और इसमें कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो ग्रीन कलर, रामा ग्रीन लाइट दिख रहा होगा आपको, ये रेशम ये जो दिख रहा है। और जो नॉर्मली हम लोग मोती यूज़ करते हैं वो क्रिस्टल बीड्स है, ठीक है। और इसका फ्रेम हम आपको दिखाते हैं, जो ट्रेसिंग पेपर है ये देखो, ये ट्रेसिंग पेपर है डिज़ाइन का, जैसे देखो नीचे साइड में 4 इंचेस बॉर्डर है और 6 इंचेस में ऊपर की बूटीज है। मैक्स स्लीव्स का लेंथ 10 10.5 है बस है, ठीक है। तो अभी जो आगे इसमें अपडेट होता है, काम स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे जो भी काम हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। फ्रंट में वो करो तो गाइस, अभी स्लीव्स पे आप देख सकते हैं, जो आप बैक में भी काम स्टार्ट हो गया है। स्लीव्स में जो पिकॉक और एलिफेंट हैं उनको रेशम से बनाना, कसब से बनाना स्टार्ट कर दिया गया ऑलरेडी, ये देख सकते हैं। इसी तरह से पहले बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में जो दूसरा काम होगा हम वो भी दिखाएंगे। जैसे इधर देखिए, ऑलरेडी ये एलिफेंट है और ये पिकॉक है, और ये बीच में फ्लावर्स आएंगे इस तरह से, ठीक है। दो तार की निडल होती है, गोल्डन कसब होता है, उससे पूरा स्टिचिंग करा जा रहा है। और बैक में भी काम चल रहा है, बॉर्डर जो है बैक में तैयार हो गया, और ऊपर की जो बूटीज हैं वो आएंगी बैक में। सो गाइस, अभी आपने देखा था नीचे वाला काम हो गया, अब ऊपर का प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। जो ऊपर बूटीज बन रही हैं उनको प्रिंट करा जा रहा है इस तरह से। अब ये नीचे प्रिंट हो जाएंगी, थोड़ी देर सूखने के बाद पूरा क्लियर आ जाएगा। ये देखो, और नीचे का काम जैसे कि आपने देखा ही था, गोल्ड कलर के रेशम से उसको पूरा बनाया गया है, पिकॉक और एलिफेंट। और इधर भी काम चल रहा है अभी, जैसे देख रहे हैं आप, गोल्ड स्प्रिंग के लोग सिले जा चुके हैं एलिफेंट में भी, और इधर भी काम चल ही रहा है अभी। इसी तरह से पूरी एलिफेंट को कवर करेंगे, उसके बाद में जो पिकॉक आप देख रहे हैं उसमें भी जो काम सिला जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, ओके। सो अभी स्लीव्स पे रेशम का काम स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं एलिफेंट और पिकॉक में जो स्पेस बचा हुआ है उसको कॉम्बिनेशन कलर के रेशम से फिल करा जा रहा है पूरा। डबल रेशम होते नीचे, और उससे ही ये जो आप ये वाला स्पेस देख रहे हैं इसको पूरा, ये जो स्क्वायर टाइप का बना हुआ है इसको पूरा वो कलरफुल रेशम से तैयार करा जा रहा है। तो इस तरह का कुछ लुक आएगा इसका, ये देख सकते हैं आप। और इसमें नग कौन से लगेंगे, नग लगेंगे या वो बीड्स और वो सिले जाएंगे, मोती पोत ना। और ये जो फ्लावर देख रहे हैं इसके अंदर 3 पोत और 1 वाइट वाला शायद मोती, इस तरीके का करके पूरा फ्लावर फुल करा जाएगा। और ये सब जो आप देख रहे हैं फ्री स्पेस है अभी, इनमें सब में कॉम्बिनेशन कलर रेशम सिला जाएगा, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह हो जाएगा, कलरफुल दिखने लगेगा। अभी लाइक गोल्ड ज़्यादा दिख रहा है, बट रेशम सिल जाने के बाद थोड़ा डिफरेंट कलर निकलेगा तो और ज़्यादा अच्छा। अभी आप देख सकते हैं नीचे का काम तो चल ही रहा है, तो ऊपर जो बूटी सिली जा रही है उसमें 2.5 नंबर के मोती का इस तरह से वी शेप में 2 लाइन सिली जा रही हैं, एक ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं और दूसरी देख रहे हैं नीचे की तरफ, जो दोनों 2.5 नंबर है। और वाइट कलर की पत्तियां लगाई गई हैं, जो कि स्टोन्स हैं, कुंदन्स हैं वाइट कलर के चिपकाने वाले, उनको लगाया गया है और उनके नीचे ये सिला जा रहा है। और अभी इनके साइड में गोल्ड कलर कसब सिला जाएगा ना, हाँ कसब, और उस कुंदन के ऊपर गोल्ड स्प्रिंग सिली जाएगी ना शादी।
देखो इसी तरह से पूरा करना है, उसके बाद में जो आगे अपडेट हो रही है हम आपको दिखा रहे हैं। स्लीव्स पे भी काम ऑलरेडी चल ही रहा है और फ्रंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बैक भी रेडी हो गया है, क्योंकि बैक और फ्रंट सिंपल हैं। मेन जो काम है वो है स्लीव्स में, तो स्लीव्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, सो गाइज अभी स्लीव्स पर देख सकते हैं जो नीचे का काम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, और ऊपर का जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मोती की दो लाइन सिली गई हैं, ऊपर चांदला है, और उसके बाद में अब हम लोग जो सिल रहे हैं ना, वो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा ये बूटीज सिलने के बाद में, तो इनके बीच बीच में हम लोग एक ड्रॉप टाइप मोती की बूटीज बना रहे हैं, जिसमें बीच में एक मोती रख रहे हैं सेंटर में, और उसके साइड में शुगर बीट्स से स्टिचिंग करके उसको फिनिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट करा जा रहा है, और आप देख ही सकते हैं लुक कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है इस डिज़ाइन का। मतलब मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार ये डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया था, मैक्सिमम थ्री मंथ्स, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, और अब सेकेंड टाइम ये डिज़ाइन यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट डिज़ाइन देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अमेजिंग है वो गाइस। और अगर किसी को भी चाहिए, कोई ऑर्डर करना चाहता है, तो आप जो नंबर आपको दिख रहा है वो नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी कलर कोई भी कॉम्बिनेशन में इजीली ले सकते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा, और आप साड़ी का कपड़ा भेज भी सकते हैं, ब्लाउज पीस, नहीं तो आप बेहतर यही है भेज दें, नहीं तो आप कलर भी बता के ऑर्डर इजीली बुक करा सकते हैं। और स्टिचिंग के साथ होगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्क होगा, यहीं स्टिचिंग हो जाएगी तो परफेक्ट ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ अगर आप वर्क करा के ले लेते हैं और बाहर स्टिचिंग कराते हैं, लाइक अपने वहाँ पर स्टिच कराते हैं, तो वो परफेक्शन नहीं आएगा ब्लाउज़ में। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए स्टिचिंग करने में कुछ डैमेज होता है तो यहीं पर रिपेयर कर दिया जाता है, अदरवाइज़ बाहर के लोग जो सिलते हैं वो उतनी फिनिशिंग से नहीं सिल पाएंगे। तो अगर किसी को भी चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप कभी भी, 24/7। अगर ये किसी को काम सीखना है तो उसके लिए आपको आरी जंबो किट की ज़रूरत होगी, जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, उस पर कमेंट करके आप व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और आरी जंबो किट बाय करने के बाद में आप आराम से वीडियो से भी सीख सकते हो, और क्लासेस भी इसी मंथ में लास्ट में स्टार्ट होंगी, तो जब भी सीख सकते हो। ओके, सो अभी आपको इसका पूरा फाइनल लुक और नज़दीक से दिखाते हैं। तो गाइस ठीक है, इसका फाइनल लुक आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली ब्लाउज हो चुका है पूरा रेडी, तो आप देख सकते हैं बैक का जो लुक है इसका कुछ इस तरह का। बैक उतना ज़्यादा खास नहीं है, बिकॉज जो मेन पोर्शन होता है वो होता है स्लीव्स। बैक तो पल्लू की वजह से छुप जाता है, जो मेन पार्ट होता है ब्लाउज का वो होता है स्लीव्स। तो बैक कुछ इस तरह का है। आप इस तरह का एक सिंपल ब्लाउज भी ले सकते हैं, इस तरह का लाइक बॉर्डर, इस तरह की बूटीज ले सकते हैं, स्लीव्स में भी इस तरह का डिज़ाइन ले सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जिनको सिंपल ब्लाउज चाहिए। ओके, सो हेयर इज द मेन पोर्शन ऑफ ब्लाउज, दिस इज अ फुल स्लीव्स, लुक एट दिस ब्लाउज एंड लुक एट दिस वर्क क्वालिटी गाइज। क्वालिटी देख लो वर्क की किस तरह की है, बिल्कुल शानदार है, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे रियल देख रहे हैं आप। और अपर साइड देखेंगे तो इधर बूटी सिली हुई है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो देख लो क्या शानदार वर्क है। और अगर किसी को भी चाहिए तो आप जस्ट व्हाट्सअप करो नंबर जो दिया गया है उस पर। ओके, और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनवा सकते हो आप इजीली। पिकॉक देखो यार, पिकॉक हुआ, एलिफेंट हुआ, मींस कारीगरी जो रियल इंडियन आर्ट, इसीलिए बोलता हूँ उसको मैं, क्योंकि मुझे पता है ये काम ना हर किसी को पहली बार समझ नहीं आता, जिसको समझ आता है ना वो इसके अलावा कभी भी मशीन एम्ब्रॉयडरी पे जा ही नहीं सकता। क्वालिटी देखो वर्क की, और ये सब ओरिजिनल मटेरियल है 100% गारंटी के साथ, एक नंबर का क्वालिटी मटेरियल होता है जो हम यूज़ करते हैं, और फिनिशिंग देखने के बाद आपको समझ आ ही रहा होगा। अगर कोई चाहता है बाय करना तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप कभी भी। ठीक है, और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन पे मिल जाएगा। तो वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि जब न्यू वीडियोज़ आए ना तो आप कैच कर सको, सबसे पहले देख सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।
एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.